नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्ञान रंजन स्वागत करुच्ची आपण को फाइट फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल को। जदि आपण आम चैनल को पर्यंत सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब करनी, शेयर करूँ, ताफर आम जो रिसेंट अपडेट आपर आपड़ कंटिन्यूस भाव में सीटीबीडी एग्जाम प्रिपेरेसन करमें आपण को आम साय अनुसार आपणकर प्रिपेरेसन करने हेल्प करूँ। आपण आउ गोटे खुशी खबर, आज आज नुह आज डेली लाइव मॉक टेस्ट डेली आपण सीटीबीडी जमी क्वेश्चन आसो से ही प्रकार अबिकल नकल से ही टाइप मॉक टेस्ट आज आरंभ हे। टाइम हो 9 PM राति 9 स्टार्ट हे, तेणु आपण मैंने यथाशी जो मैंने सीटीबीडी एंट्रेंस प्रिपेरेसन कर प्लीज 9 आसिकी लाइव क्लास करूँ। एवं आपण केते मॉक टेस्ट रे केते मार्क रखुंट आपण जापर आपणकर परफॉर्मेंस केते आउ करिवार अछि किंबा आपण को आउ केते परिश्रम करिवार अछि आपण माने जानिपारे। आज मु आपण को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंटिन्यूस भाव कही आसी आज गोटे क्लास करी चलत आरंभ करवा आज एपिसोड। जदि आपण आम चैनल फाइट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब करूँ। नमस्कार दर्शक बंधु, मुझ ज्ञानरंजन पुणी थे आपको स्वागत करुच्ची। जदि आप चैनल आम सब्सक्राइब करना शीघ्र सब्सक्राइब करनी, जो रिसेंट अपडेट्स अच्छी आपर चलत आरंभ करवा आज क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन वन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, टू इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, सी डिवीजन ऑफ पावर, डी सेपरेशन ऑफ पावर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेपरेशन ऑफ पावर इज द करेक्ट आंसर। गो टू क्वेश्चन नंबर टू, गो टू क्वेश्चन नंबर टू। 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन वन ए लाल बहादुर शास्त्री, बी मोरारजी देसाई, सी इंदिरा गांधी, डी चरण सिंह। सो करेक्ट आंसर इज इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी। गो टू क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजेंस। ऑप्शन ए आर्टिकल 42, बी आर्टिकल 44, सी आर्टिकल 46, डी आर्टिकल 48। सो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 44। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आरली क्लियरली लेड डाउन दैट द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया आर बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑप्शन ए 25th, बी 38, सी 42, डी 43। सो करेक्ट आंसर इज 42nd, 40, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। ऑप्शन ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 14, सी आर्टिकल 21, डी आर्टिकल 32। सो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 32, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। ऑप्शन ए पार्ट 15, बी पार्ट 14, सी पार्ट 12, डी पार्ट 10। सो करेक्ट आंसर इज पार्ट 12, सी इज द करेक्ट आंसर। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवेन, हु आर द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। हु आर द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली।
ऑप्शंस आर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल अपियर्स इन ऑप्शन ए द प्रीएम्बल, बी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी आर्टिकल 368, डी नन ऑफ द एबव। सो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर फाइनेंशियल प्रोविजन, ऑप्शन ए आर्टिकल 352, बी आर्टिकल 356, सी आर्टिकल 360, डी आर्टिकल 361। सो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 360, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू इक्वालिटी डजंट इंक्लूड, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू इक्वालिटी डजंट इंक्लूड, ऑप्शन ए इक्वालिटी बिफोर लॉ, बी एब्सोल्यूट इक्वालिटी, सी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, डी अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सो करेक्ट आंसर इज एब्सोल्यूट इक्वालिटी, बी द करेक्ट आंसर। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर ए प्राइम मिनिस्टर फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया इज एनश्रीन्ड इन द, ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल, बी सेकेंड शेड्यूल, सी थर्ड शेड्यूल, डी फोर्थ शेड्यूल। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड शेड्यूल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 31 सी वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन ए 17th अमेंडमेंट, बी 20th अमेंडमेंट, सी 25th अमेंडमेंट, डी 26th अमेंडमेंट। सो करेक्ट आंसर इज 25th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स ऑफ पंचायत आर स्टेटेड, ऑप्शन ए 8th शेड्यूल, बी 9th शेड्यूल, सी 10th शेड्यूल, डी 11th शेड्यूल। सो करेक्ट आंसर इज 11th शेड्यूल। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द मेंशन ऑफ द वर्ड जस्टिस इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसेस, ऑप्शन ए सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस जस्टिस, बी सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल जस्टिस, सी सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, डी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सो करेक्ट आंसर इज सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए 284, बी 294, सी 274, डी 244। सो करेक्ट आंसर इज 274, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी सी इज द करेक्ट आंसर। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इन व्हिच ईयर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 वाज असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए 1990, बी 1991, सी 1993, डी 1994। सो करेक्ट आंसर इज 1993, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following articles of the Indian Constitution deals with citizenship in India? Option A, Article 333 to 337, B, Article 720, C, Article 511, D, Article 1-4. So, correct answer is Option C, Article 511. Go to next question. Question number 18. According to the Constitution of India, which one of the following rights cannot be taken away during emergency? Option A, right to speak, B, right to freedom of movement, C,
राइट टू लाइफ, डी राइट टू ऑर्गेनाइज. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट टू लाइफ. गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. अंडर व्हिच ऑफ आर्टिकल द पार्लियामेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट्स. ऑप्शन ए आर्टिकल 273, बी आर्टिकल 274, सी आर्टिकल 275, डी आर्टिकल 276. सो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 275. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following amendments has reduced the age of voters from 21 years to 18 years? Option A, 52nd Amendment Act, B, 60 Amendment Act, C, 61st Amendment Act, D, 62nd Amendment Act. So correct answer is option number C, 61st Amendment Act. यही थी आपण मानी आज बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन फॉर सीटीबीडी एंट्रेंस. प्लीज प्लीज आम चैनल सब्सक्राइब कर दिंतु एवं शेयर करूँ. आज आपंकर सीटीबीडी एंट्रेंस 2020 डेली लाइव मॉक टेस्ट आज आरंभ होते समय 9:00 PM संध्या 9:00 समय आपड़ रेडी रुहतु मॉक टेस्ट दिंतु के नंबर रखिपार निश्चय कमेंट बॉक्स में लिखि पठातु. एति कहि मु रखुछि जय जगन्नाथ. आपण दिन की शुभ हो मंगलमय हो. जय जगन्नाथ. वंदे मातरम. भारत माता की जय.